नहीं आज क्या, कल भी यही हाल था, अभी कर रहा है आराम, चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माथुर ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूनिवर्सिटी से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी आ गई हूँ और मेरा एक क्लास भी हो गया है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, 11:16 हो गया है, तो 10 से 11 बजे वाला क्लास मेरा हो गया है, ईवीएस वाला क्लास। और अभी पूरा क्लासरूम खाली हो गया, क्लास खत्म हो गया तो सभी कोई चले गए। आज कल से अधिक बच्चे आए हुए थे, कल तो केवल हम लोग 5 कोई थे ईवीएस में, लेकिन आज उससे अधिक बच्चे आए हुए थे, लेकिन सब नहीं आए हुए थे। तो अभी जो है मैम जो जो बताई थी उसमें से कुछ कुछ मेरा छूट गया है, तो वही मैं कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद, इसके बाद भी मेरा और कोई क्लास नहीं है, तो देखते हैं, होने से मैं लाइब्रेरी चली जाऊंगी स्टडी करने के लिए। जो जो छूटा था मेरा, जो जो कम्प्लीट नहीं हुआ था, वो तो मैं कम्प्लीट कर ली। और अभी हो गया है टाइम लंच करने का, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। गर्मी के मौसम का यही एक दिक्कत है, धूप के कारण एकदम बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में ही इतना धूप दे रहा है। अभी 12 बज गया है, तो 12 बजे बहुत ही ज्यादा धूप रहता है। भूमि होटल आ गई हूँ मैं अभी लंच करने के लिए, और स्कूटी को मैं यहाँ पार्क कर दी। वहाँ पेड़ है इसीलिए छांव है वहीं पे, तो धूप नहीं लगेगी। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अभी क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या मिलेगा लंच करने के लिए, क्या क्या बना है। यहाँ तो अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, आइसक्रीम लेके यहाँ से जाते हैं। आइसक्रीम कौन कौन सा आइसक्रीम है आज? क्यों नहीं बनाए? यही चलते नहीं बनाए, का चले अगर कोई आएगा नहीं आएगा खाने वाला। सही बोल रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी में कम स्टूडेंट है। ये सब लेंगे, एक चोकोबार ले लेते हैं, ये बेस्ट है। लंच के लिए यहाँ तो कुछ मिला नहीं, आज कुछ बनाया नहीं है, एक चोकोबार ले लिए जब आए हैं तो यहाँ पे, क्योंकि इनका कहना था ना कि यूनिवर्सिटी, जैसे कि आज यूनिवर्सिटी में कम स्टूडेंट आए हुए हैं, तो इन लोग अगर बनाते हैं तो वो सब सारा चीज जो है बेकार चला जाता है, जो बना हुआ है वो सब भी नहीं दिखता है तो बेकार चला जाता है। इसलिए आज से नहीं बनाए, कल से बनाना स्टार्ट करेंगे या फिर 1 तारीख से बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। कहीं और लंच कर लेंगे, यहाँ पे फिलहाल तो अभी आइसक्रीम खाते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। आइसक्रीम खाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी के बगल वाला होटल, और आज यहाँ पे, आज क्या, कल भी यही हाल था, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है। मतलब छोटू ढाबा भी मैं नहीं गई, वहाँ पे भी केवल समोसा था, और यहाँ भी आई तो यहाँ पे पता चला कि चावल उवल तो यहाँ बन नहीं रहा है, केवल समोसा है और उसके अलावा कुछ नहीं, बालूशाह है, इसके अलावा केवल मैगी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो अभी मैं मैगी का ऑर्डर दे दी हूँ, मैगी बनाने का, और यहाँ पे मैगी का जो है 30 रुपये प्लेट है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, चावल तो बना है नहीं, और समोसा मैं कल ही खाई थी, इसलिए आज खाने का मूड नहीं है, इसलिए मैगी का ऑर्डर दे दी हूँ मैं। अब देखते हैं, 10 मिनट तो बोला है, अब देखते हैं कितना लेट में लाता है मैगी। फाइनली आ गया है मैगी, 10 मिनट तो बोला लेकिन 20 मिनट में लाया, और देख के तो अच्छा ही लग रहा है, अभी खा के देखते हैं कैसा लगता है। खा के तो अच्छा ही लगा, उतना भी बुरा नहीं था, खाने लायक तो था ही। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। लंच करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ स्कूल बिल्डिंग, और अभी मैं क्लासरूम में बैठूंगी, अभी तुरंत तो मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी 12:30 हो रहा है, तो अभी काफी तेज धूप है, अभी जाना सही नहीं रहेगा, इसीलिए 2 बजे यहाँ से निकलूंगी, 2 बजे थोड़ा सा कम धूप हो जाता है। देखते हैं कौन सा क्लासरूम खाली है, ये वाला क्लास पूरा खाली है, यहाँ पे अभी कोई नहीं है, तो यहीं पे मैं बैठ जाती हूँ, नोट सब देखती हूँ थोड़ा सा। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर वाला रूम सब है, तो इस सब में थोड़ा सा अधिक ठंडा लगता है ऊपर के मुताबिक, तो क्या है कि यहाँ पे अभी ठंडा लग रहा है। बाहर से मैं आई ना, बाहर में बहुत तेज धूप है, बहुत ही ज्यादा धूप है, तो अभी यहाँ क्लासरूम आने के बाद थोड़ा सा शांति फील हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी बज रहे हैं लगभग 3 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है बस 3 बजने में, तो अभी धूप घट गया है, तो अब घर के लिए निकलते हैं यहाँ से। हमारे यूनिवर्सिटीज के बिल्डिंग में काफी सारे कबूतर हमेशा उड़ते रहते हैं, इधर कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, अभी आराम कर रहे, धूप है इसीलिए आराम कर रहे। इधर कुछ कबूतर है और यहाँ कुछ कबूतर है। पूरा पूरी तो धूप खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी उतनी तेज धूप नहीं है जितना 12 बजे था, 12-1 बजे था, उतना तेज अभी धूप नहीं है, अभी थोड़ा सा घट गया है। यूनिवर्सिटी से तो मैं आ गई, अब एक ही बार डायरेक्ट मंडे को मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मंडे से ही मेरा क्लास स्टार्ट होगा। और अभी जो है होली खत्म हुआ ही 1-2 दिन बस हुआ है, इसीलिए सारा क्लास जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। 2 दिन में यूनिवर्सिटी गई हुई थी और दोनों दिन केवल एक एक क्लास ही हुआ है, 1 तारीख से सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का, और अब तो बहुत ही जल्दी हम लोग का सेशनल भी होने वाला है, कुछ ही दिनों में हम लोग का सेशनल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हो गया है शाम, इसीलिए मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बगान साइड, क्योंकि मैं बीते ब्लॉक में ही जैसे कि मैं बताई थी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं बगान में पानी नहीं पटा पा रही थी, और इसीलिए जो है सूखा रूखा हो गया है, पौधा सब भी मुरझाने लग गया है,
इसीलिए अभी मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई बगान साइड पानी पटाने के लिए थोड़ा सा पौधा सब में। 2 साल हो गया ये पौधा लगाया हुआ, अभी तो काफी बड़ा हो गया है। उधर लत्ता वाला पौधा है ये, तो उधर लत्ता फेंकने लग गया है, बाउंड्री को पूरा कवर करेगा ये, और काफी सारा फूल हो गया है। 2 साल में ही काफी बड़ा हो गया। और भी उधर लगाए हैं हम लोग, यही फूल है लेकिन अलग अलग कलर में उधर लगाए हैं। और ये पेड़ तो खुद ब खुद उग गया है अपने आप और काफी बड़ा हो गया। यहाँ पे छुपा हुआ है डुग्गू, आराम से बैठ के घास खा रहा है। इसको मैं जब निकली थी तभी इसको निकाल दी थी और ये बगान में उछल कूद करना शुरू कर दिया है। बगान में एक बार इसको छोड़ने के बाद इसको तुरंत नहीं पकड़ा जा सकता, ये कुछ देर खेलेगा उसके बाद ही इसको पकड़ सकते हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि फूल सब झड़ता है, जैसे कि इधर जो है एक फूल झड़ गया है इसका, ये वाला फूल ये जो है झड़ गया है। इस तरह से अगर झड़ जाएगा तो फलना मुश्किल है। इसी के बगल में लगाए हैं ये आम का पौधा, इसमें भी छोटे छोटे फलने लग गया है, काफी सारा फूल दिया हुआ था, छोटा छोटा फल रहा है, लेकिन हवा के कारण अगर ये भी झड़ गया तो बड़ा नहीं हो पाएगा। और सारा पौधा जो है जितना भी यहाँ पे हम लोग पौधा लगाए सारा पौधा का एक ही टाइम हो रहा है, सबका ही 2 साल, मतलब 2 साल में ही सारा पौधा लगाया हुआ है। लेकिन एक पौधा है जो कि सबसे मस्त है, मतलब ये काफी बड़ा भी हो गया है और इसमें फल भी देने लग गया है, जो कि है ये तुच का पौधा। ये जो है काफी भरा भरा सा है, मतलब अभी बहुत ही फल दिया है और इसमें मैं काफी तोड़ी भी हूँ। जब भी आती हूँ मैं बगान, किसी भी टाइम आती हूँ, पका हुआ देखती हूँ तो तोड़ के ले जाती हूँ। फल रहा है, पक रहा है और झड़ झड़ के गिर भी रहा है, उतना मैं खा भी नहीं पाती हूँ तो कुछ कुछ जो है पक पक के गिर रहा है इधर काला काला। 2 ही साल में काफी बड़ा हो गया और इससे पहले भी फल दिया था और एक टाइम में फल दिया था और 2-3 बार फल दे चुका है ये वाला पौधा। लगता है डुग्गू भरपेट भोजन कर लिया है, अभी कर रहा है आराम, चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे। अब मैं जाती हूँ मोटर ऑन करने के लिए ताकि मैं जल्दी से पानी पटा पाऊँ पौधा सब में, वरना आज भी रात हो जाएगा, आज भी मैं पानी नहीं पटा पाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट आया है कि नहीं। अगर लाइट, अभी क्या होता है ना कि गर्मी का मौसम है, धूप देता है, इसीलिए लाइट जो है जल्दी जल्दी कटने लगा है कुछ दिनों से। तो अभी देखते हैं लाइट है या नहीं। लाइट तो आया हुआ है, तो अभी चलते हैं मोटर ऑन करने के लिए। पानी तो आने लग गया लेकिन बीच में जो है पाइप के बीच में थोड़ा सा लीक कर रहा है, तो यहाँ से पानी निकल रहा है। अभी ये पाइप को थोड़ा सा उधर मोड़ देते हैं, उससे क्या होगा कि उधर वाला पौधा सब में पानी मिलेगा। तो ये मुड़ गया है इधर, इधर अभी पौधा सब में पानी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैं आगे वाला पौधा सब में पानी पटा लेती हूँ। अरे बाप रे, पानी आना बंद हो गया क्या? लाइट कट गया क्या? लाइट तो कट गया, बल्ब भी ऑफ हो गया है। अभी मैं पानी पटाने वाली थी, अभी ही बंद हो गया, मुश्किल है। और इधर सूरज भी डूबने लग गया है, अब तो सूरज भी डूब गया, लगता है आज भी पानी नहीं पटा पाऊंगी। कुछ देर करती हूँ लाइट का वेट, अगर लाइट आएगा तो ठीक है, वरना फिर कल पटाना पड़ेगा। आज तो सूरज भी डूब गया, अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो रात में पटाना सही नहीं रहेगा, तो कल फिर पटाएंगे अगर आज सही टाइम में लाइट नहीं आया तो। एग्जैक्ट टाइम में ही लाइन कट गया, मुझे लग रहा था ये काम मैं आज कम्प्लीट कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैं पानी पटाने गई वैसे ही लाइट कट गया। गर्मी का मौसम में यही होता है, मोटर ऑन करने से पहले भी कटा हुआ ही था, कुछ देर के लिए बस लाइट आया हुआ था और जैसे ही मैं पानी, मतलब जैसे मैं पानी पटाने गई पौधा सब में, वैसे ही फिर से कट गया। अब देखते हैं कुछ देर वेट करके लाइट आएगा तो ठीक है, वरना फिर अगर रात हो जाएगा तो मैं पानी नहीं पटा पाऊंगी। अभी अभी आ रहा है लाइट, अब तो अंधेरा भी हो गया, अब तो नहीं पटा सकती मैं पानी। इतना देर मैं बाहर में ही वेट कर रही थी लाइट का कि अब आएगा लाइट, लेकिन अब इतना देर आया ही नहीं, अभी अंधेरा हो गया तो लाइट आ गया। तो आज नहीं पटाएंगे, कल ही एक ही बार पटाएंगे। अब मैं कर लेती हूँ शाम की पूजा, उसके बाद जो है मैं डिनर बनाने के लिए चली जाऊंगी किचन। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड इसे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।